एवरीवन, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम सब देख रहे हैं कि समर का मौसम चल रहा है, तो ऐसे मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर हम ऑफिस जा रहे हैं, शॉपिंग पे, घूमने, किसी भी काम से अगर हम बाहर जा रहे हैं, तो अपने साथ एक पानी की बॉटल ज़रूर रखें। अगर आप पानी की बॉटल अपने साथ नहीं रखते हैं, तो फिर भी आप ये ध्यान रखें कि आप टाइम से पानी को पीते रहें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, हाइड्रेट रखें। आप ऐसे मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, जैसे कुकुम्बर और गाजर, सैलड वाले आइटम जो होते हैं, बीट रूट, इन सारी चीज़ों को खाने की कोशिश करें, जिनकी तासीर गर्म होती है। मसाले वाली चीज़ें हो गई, इनको कम खाएं। बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि गर्मियों में चीज़ों को ख़राब होने का ज़्यादा रहता है कि जल्दी से गर्मियों में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएं, बाहर की ना खाएं। और आप बाहर अगर जा रहे हैं तो पानी पिएं, जूस पिएं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप इसकी जगह कोकोनट वाटर पी सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और ख़ुद को लू से बचाएं। और यदि आप बाहर कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से और साफ़ सुथरी जगह से आप खा रहे हों, क्योंकि जो गर्मियों का सीज़न होता है, इसमें डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, मेरी इन बातों को कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अवेयर तो हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते इन चीज़ों को। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप अगर बाहर जा रहे हैं और गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो आपको किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट रखना है। तो आप कोशिश करें कि आप बाहर की चीज़ें, जंक फूड आइटम ना खाएं, आप घर की हेल्दी चीज़ें खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। और गर्मी का सीज़न जो होता है, उसमें फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बहुत आते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है कि हमें नुकसान दे सकती हैं, हमें परेशान कर सकती हैं, हम बीमार हो सकते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।